में हम पिछले वाले वीडियो को ही की वीडियो सीरीज को ही आगे बढ़ाते हैं, जहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मल्टीपल इंटीग्रल क्या होता है। मल्टीपल इंटीग्रल में स्पेसिफिकली हम लोगों ने डबल इंटीग्रल के बारे में बात की थी, और डबल इंटीग्रल से रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे और ये समझा था कि डबल इंटीग्रल कैसे इवेल्युएट होता है। आज डबल इंटीग्रल की हेल्प से ही हम क्या करेंगे, किसी गिवन रीजन का, जो कि रीजन हमें दिया गया है, उसका हम एरिया फाइंड करना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे हम डबल इंटीग्रल की हेल्प से किसी गिवन एरिया का रीजन फाइंड कर सकते हैं। सपोज ये हमारे सामने क्वेश्चन है, इवेल्युएट करना है हमें। बेसिकली इस क्वेश्चन में तो हमें क्या करना है, ये जो रीजन है, ये जो ये इंटीग्रल दे रखा है डबल इंटीग्रल, उसे इस रीजन के ऊपर हमें पॉजिटिव क्वाड्रेंट में क्या करना है, इसे इवेल्युएट करना है। यानी ये जो गिवन है कंडीशन x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 1, उससे जो रीजन बन के आता है उसकी हेल्प से हमें क्या करना है, इस डबल इंटीग्रल को इवेल्युएट करना है। अभी और क्वेश्चंस हैं जिसमें हम एरिया को भी देखेंगे। तो पहले एक टाइप ये भी बनता है कई बार डबल इंटीग्रल की हेल्प से हमें रीजन भी फाइंड करना होता है। तो आइए जरा इसको सॉल्व करने से पहले कुछ समझ लेते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। देखिए अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो अगर हमें इसे इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करना है, dx dy को इवेल्युएट करना है, देन हमें क्या करना है, हमें ये लिमिट फाइंड करनी होगी। वी मस्ट फाइंड द लिमिट, हमें लिमिट फाइंड करनी पड़ेगी। अगर हम लिमिट नहीं फाइंड कर पाए तो ऑब्वियस बात है ये डबल इंटीग्रल सिंप्लीफाई नहीं होने वाला है, इसके लिए हमें इसकी लिमिट ही जरूरी होगी। और वो लिमिट हमें कहां से मिलेगी, उसके लिए उन्होंने कुछ हेल्प जरूर दी होता है। आपको इस रीजन के हेल्प से आपको क्या करना है, इसका लिमिट फाइंड करना है। तो आइए पहले ये रीजन ड्रॉ कर लेते हैं। अगर हम इस रीजन को ड्रॉ करें तो अगर आप देखें ध्यान से, तो आप लोगों ने अगर एलपीपी पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा है तो थोड़ा बहुत आइडिया मैं आपको यहीं पर दे दूंगा। देखिए यहां पर एक लाइन का इक्वेशन है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, अगर आप इसे अज्यूम करें तो वो लाइन का इक्वेशन मैं यहां से ड्रॉ करता हूं। ये मान लेता हूं एक्स, ये जो हमारी ये है, ये लाइन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 का लाइन है। अगर मैं बात करूं रीजन इसके बियॉन्ड की, तो वो बेटा हो जाएगा एक्स प्लस, अगर ये एक्स प्लस वाई प्लस 1 वाली लाइन है तो इसके हर पॉइंट पर एक्स प्लस वाई जो होगा वो 1 के इक्वल होगा। लेकिन यहां पर दे रखा है लेस देन भी जा सकते हैं, तो लेस देन का मतलब है एक्स प्लस वाई का जो एडिशन है वो लेस देन 1 भी हो सकता है, तो वो तो सारा रीजन यहीं पर हो जाएगा। अब ये सारा हो सकता है लेकिन हम केवल क्या कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव क्वाड्रेंट को कंसिडर करेंगे। तो पॉजिटिव को मैं बना देता हूं यहां पर ओ ए बी, यानी हमें केवल इस रीजन को ही हमें सेलेक्ट करना है। आई होप इतना समझ में आया होगा। अगर ये ग्रेटर देन का कंडीशन होता तो हमें इसके ऊपर से जाना होता, यानी ये हमारा मिनिमम लाइन हो जाती है और इसके ऊपर के रीजन को हमें सेलेक्ट करना होता है। यहां पर ये हमारा एक्सट्रीम लाइन है और इसके नीचे के रीजन को हमें सेलेक्ट करना है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में करना है। तो हम लोगों ने इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसके इंटरसेक्शन पॉइंट्स को यहाँ पे मार्क कर लिया। अब हमें चाहिए क्या, अब हमें चाहिए लिमिट। तो लिमिट निकालने के लिए या तो हम इसमें हॉरिजेंटल स्ट्रिप बना लें या वर्टिकल स्ट्रिप बना लें। मैं इसमें एक वर्टिकल स्ट्रिप बना लेता हूं, ये वर्टिकल स्ट्रिप। नॉर्मली हम जो मैथ कन्वेंशन पढ़ते हैं, स्ट्रिप को हम पीक्यू से ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये मैंने वर्टिकल स्ट्रिप बना ली। अब हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, फर्स्ट थिंग हम क्या कर सकते हैं, फाइंड करेंगे हम लोग द इंटरसेक्शन पॉइंट्स। अब इंटरसेक्शन पॉइंट का मतलब कहां कहां पर ये बेसिकली लाइन एक जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है। तो अगर आप देखें ध्यान से, तो ये x प्लस वाई प्लस 1 है, तो ये लाइन कौन सी लाइन है, ये लाइन है बेटा y इज इक्वल्स टू 0 का लाइन है। तो यहां पर भी y 0 रहा होगा, तो यहां अगर y 0 रहा तो x क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहां पर क्या रहेगा, 0.1, बी पॉइंट क्या गया, 0.1। अब हम अगर ध्यान से देखें तो इंटरसेक्शन पॉइंट यहां पर तो हमें पता है कि 0.0 है, इंटरसेक्शन पॉइंट अब अगर हमने दो ही थे वो फाइंड कर लिए। अब अगर हम लिमिट की बात करें, अच्छा आपको डबल इंटीग्रल में ये तो पता होगा कि यहां पर लिमिट के हिसाब से ये इवेल्युएट होता है। आप अगर यहां पर एक्स का रख देंगे तो फिर वो एक्स के हिसाब से सॉल्व होगा, वाई का रख देंगे तो वाई के हिसाब से सॉल्व होगा, तो फर्क नहीं पड़ता। हम लोग क्या करेंगे, हम पहले एक्स का फिर वाई का फाइंड कर लेंगे लिमिट। तो एक्स का लिमिट अगर हम देखें ध्यान से, तो
तो अब हम यहाँ पर x पर कितना मूव कर सकते हैं, x पर अगर हम देखें ध्यान से तो x पर 0 से मूव कर सकते हैं और मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं, ये 1 तक जा सकते हैं। ठीक है, तो जो x लिमिट सेकेंड पॉइंट में लिमिट ऑफ x वेरी फ्रॉम 0 to 1। थर्ड पॉइंट, अब ये x तो वेरी कर गया 0 से 1 पे, पर अब हमें y का वैल्यू भी चाहिए, तो y तो इनिशियली यहां पर 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो y तो 0 है, लेकिन मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, मैक्सिमम इस लाइन तक जा सकता है बस। अब ये लाइन पर y का क्या वैल्यू आएगा हर बार, तो इस लाइन पर जो y का वैल्यू है वो 1 - x है। आई होप यहां से आप समझ पाएंगे y इज इक्वल्स टू 1 - x है। आइए अब इस जो गिवन हमारा डबल इंटीग्रल है इसमें लिमिट्स को रख लेते हैं। हेंस जो हमारा रिक्वायर्ड इंटीग्रल हो जाएगा, सो कुछ हाईलाइट कर लेते हैं, लिमिट क्या है 0 से 1, यहां पर लिमिट क्या है 0 से 1 - x, और यहां पर क्या दे रखा है एक्स वाई डीएक्स डीवाई। अब इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, तो आई होप आपको सिंप्लीफिकेशन पता होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 से 1 ये y का लिमिट है, तो y सिंप्लीफाई होगा, x बाहर आ जाएगा, तो y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा y स्क्वायर बाई 2, और इसमें हम क्या सब्सटीट्यूट कर लेंगे 0 से 1 - x, और यहां पर हमारा dx वैसे ही बना रहा, पहले हम लोगों ने y को सिंप्लीफाई किया। आई होप ये भी समझ में आ रहा होगा। अब हमें क्या करना है, जब हमने y को सिंप्लीफाई कर लिया तो ये हो गया, अब अगर इसको अगर हम 1/2 को बाहर निकाल करके ले आए तो 0 से 1 x 1 - x² क्योंकि 0 रखने पर इवेंचुअली वो 0 ही हो जाने वाला है, dx हो गया। अब अगर इसका हम सिंप्लीफिकेशन करें तो बेसिकली 1/2 बाहर है, तो अगर इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो x³ - 2x² + x ये आ जाएगा, और इस पर लिमिट हम क्या रखने वाले हैं, लिमिट बेटा हम रखने वाले हैं 0 से 1, और जब आप इसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो आई होप कि आपको 1/24 आंसर मिल जाएगा। तो बेसिक आपको समझ में आया होगा कि हमें क्या करना होता है, हमें बेसिकली जो पॉइंट्स हैं आप इसे इस समरी समझ लेते हैं, हम लोग समरी समझ लेते हैं। अगर हम समरी की बात करें तो हमें सबसे पहला अगर हमें कोई इंटीग्रल डबल इंटीग्रल इवेलुएट करना है किसी रीजन की हेल्प से, अगर हेल्प करना से हेल्प करना है तो पहले तो उसका ग्राफ ड्रॉ द ग्राफ, फिर क्या है फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट, सेलेक्ट द स्ट्रिप, वो आप क्वेश्चन के हिसाब से हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल सेलेक्ट कर सकते हैं, देन फाइंड द लिमिट। ये बेसिकली आपको वो पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। एक और क्वेश्चन की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो आगे कंटिन्यू करते हैं और एक और क्वेश्चन के थ्रू से समझने की कोशिश करते हैं। डबल इंटीग्रल के डबल इंटीग्रल के ही हेल्प से हम क्या करने वाले हैं, किसी गिवन डबल इंटीग्रल को सिंप्लीफाई करने वाले हैं जो कि बेसिकली रिप्रेजेंट करता है एक ट्रायंगल के वर्टिसेस को। तो वो जो चार फंडामेंटल हम लोगों ने सीखे थे, सबसे पहला क्या करना है ग्राफ ड्रॉ करना है। तो वर्टिसेस क्या दे रखी है, वर्टिसेस बेटा 0, 0 दे रखी है, तो यहां पर होगी। अगली वर्टेक्स कहां पर दे रखी है आपको, x पर कितना चलना है 10 चलना है, y पर कितना चलना है केवल 1 चलना है, तो यहां कहीं पर आएगा तो ये 10, 1 हो जाएगा। अगला कहां पर दे रखा है 1, 1, तो x पर भी आपको क्या चलना होगा 1 चलना होगा, तो y पर भी क्या चलना होगा आपको 1 चलना होगा, तो ये 1, 1 है। तो ये जो अब आप उन पॉइंट्स को मिला लें, अब ये जो ट्रायंगल तैयार हुआ है ये बेसिकली आपका क्या ट्रायंगल है, ये वो ट्रायंगल है जिसकी हेल्प से हमें क्या करना है, जिसकी हेल्प से हमें क्या करना है बेसिकली ये गिवन डबल इंटीग्रल को सिंप्लीफाई करना है। तो आइए
अब हमारे पास दो ऑप्शन है यहाँ पर, अगर आप देखें ध्यान से तो इन पॉइंट्स को देख करके ये अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि ये जो लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट करती है। ये जो लाइन है अगर आप देखें ध्यान से तो ये ओरिजिन से होकर के जा रही है और x इज इक्वल्स टू 10y रिप्रेजेंट करेगी। देखिए जब हम x की जगह पर हम लोगों ने क्या रखा, 1 रखा, तो ये क्या हो जाएगा, y का वैल्यू 1/10 आ जाएगा। या मैं यहां पर y की जगह पर यहां पर क्या रखूं, 1, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये जो लाइन है मैं इसको नाम दे देता हूं OA। OA लाइन जो है वो x इज इक्वल्स टू 10 का है और ये जो है 1,1, तो ये क्या है, x इज। तो आई होप ये दोनों लाइन्स आपको समझ में आई होंगी कैसे हम लोगों ने कंक्लूजन निकाला। एक्स इज क्योंकि ओरिजिन से होकर के जा रही है तो कोई इंटरसेक्ट तो कटेगा नहीं, तो एक्स इज इक्वल्स टू वाई का ही फॉर्म होगा। अब यहां पर हमारे पास दो ऑप्शन हैं, चाहे तो हम वर्टिकल स्ट्रिप यहां पर ले लें और चाहे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लें। तो यहां पर मैं एक बार वर्टिकल ले चुका हूं, तो एक बार सॉरी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेकर के भी आपको बता देता हूं। तो यहां पर मैंने एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लिया, ये स्ट्रिप का नाम मैंने रखा हम लोगों ने पी क्यू रखा। तो पहला काम हम लोगों ने क्या किया, ग्राफ ड्रॉ कर लिया। हम लोगों ने पहला काम क्या किया, ग्राफ ड्रॉ कर लिया। फिर दूसरा, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑलरेडी गिवन थे और हम लोगों ने स्ट्रिप भी क्या कर ली, स्ट्रिप भी हम लोगों ने डिसाइड कर ली कि हम लोगों को कैसी बनानी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम बेसिकली जाएंगे और हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे लिमिट को। तो हर इसका वैल्यू कहां से जाएगा, y से जाएगा और कहां तक जाएगा, 10y तक जाएगा। y से जाएगा और 10y तक जाएगा। x का वैल्यू जो वेरी करेगा, x का वैल्यू जो वेरी करेगा, हम लोगों ने तीनों ग्राफ ड्रॉ कर लिए, इंटरसेक्शन पता कर लिया, स्ट्रिप पता कर लिए, अब हमें लिमिट पता करनी है। तो लिमिट के लिए अब आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले x का लिमिट देख लेते हैं। तो x अगर हम देखें यहां से, तो x यहां पर जो है y से लगा करके 10y तक वेरी कर रहा है। तो यहां पर अगर x के बारे में बात करें तो इट वेरीज फ्रॉम y टू 10y, और y खुद में कहां से कहां तक वेरी कर रहा है। तो अगर आप y देखें तो y 0 से लगा करके 1 तक जा सकते हैं y पे, एंड y वेरीज फ्रॉम 0 टू 5। आई होप आप इस इंटीग्रल में इसे रख सकते हैं, इसे भी नाउ जो हमारा न्यू इंटीग्रल है उसको हम आई के इक्वल अज्यूम कर लेते हैं, आई इज इक्वल्स टू, अब यहां पर लिमिटिंग वैल्यू रख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें यहां से, तो ये एक्स जो था वो वाई का लिमिट था, तो वाई का लिमिट कहां से कहां तक है, वाई का लिमिट है सॉरी एक्स का लिमिट जो है वो वाई से लगा करके 10y तक है, और वाई कहां से कहां तक वेरी कर रहा था, जीरो से लगा करके 1 तक, और यहां पर था xy माइनस y स्क्वायर का स्क्वायर रूट dx dy। अब आई होप इसे सिंप्लीफाई करना आपको आता होगा। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इसका आंसर जो होगा वो 6 आएगा।